हेलो, मेरा नाम डॉक्टर दीपक केळकर है। मैं साइकियाट्रिस्ट, हिप्नोथेरेपिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट, एनएलपी ट्रेनर और कोच हूँ। मेरा डी एडिक्शन का भी हॉस्पिटल है। हम जब पेशेंट देखते रहते हैं तो काफ़ी पेशेंट्स हमारे पास में ऐसे आते हैं कि जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं। ऐसा भी एक मेरे पास में पेशेंट आया था कुछ दिन पहले। वो इतनी ज़्यादा बातें कर रहा था, इतनी ज़्यादा बातें कर रहा था कि नॉन स्टॉप, मतलब कंटिन्यू बातें, और बातें कौन सी, बहुत बड़ी बड़ी बात बोलता था। उन्हें मुझे है ना प्राइम मिनिस्टर की लड़की है, उससे शादी करना है। अरे मैं ना प्राइम मिनिस्टर को हमारी लड़की नहीं है तो शादी कैसे करेगा। नहीं नहीं मेरे को तो करना है, उन्होंने मेरे को सुप्रीम कोर्ट के जज की अपॉइंटमेंट दी हुई है। कुछ भी ऐसा, मैं तो ये सौदा करूँगा, मुझे ये करना है, मुझे ये। लोग करते क्या है कि ये एक्चुअली रहते मैनिया में, हाइपोमैनिया या मैनिया, और उसमें फिर बड़ी बड़ी बातें, उनको ऐसा लगता है कि अपन टॉप ऑफ द वर्ल्ड है। यूजली मैं मेरे मोटिवेशन के स्पीच में या प्रोग्राम्स में लोगों को मोटिवेट करता हूँ कि नहीं नहीं थिंक बिग, थिंक बिग। अब यहाँ उल्टा होता है, उल्टा ये होता है कि यहाँ थिंक बिग कर रहा है वो, मगर वो अभी इतना ज़्यादा हो गया है कि वो रियलिटी टच नहीं, उसको वास्तवता में कुछ उसका संबंध नहीं है। और इतनी बड़ी बड़ी बातें करना, फिर गुस्सा करना, तोड़फोड़ करना, तो फिर उसके लिए इलाज करना जरूरी है। तो ये थिंग भी यहाँ काम में नहीं आता, यहाँ आता है उसका इलाज करना। क्योंकि तो स्पेशली ये बड़े सौदे करेंगे, बड़ी बातें करेंगे, इधर से उधर जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, और इनको कुछ ऐसा लगता है कि भाई मेरे खिलाफ किसने कुछ बोलना नहीं चाहिए। अब इसमें होता क्या है कि ब्रेन में जो केमिकल्स है उसके लेवल बहुत हाई हो जाती है, और वो लेवल हाई होने के बाद में उसका ब्रेन काफ़ी एक्साइटेड हो जाता है, हाइपर एक्साइटेड हो जाता है, और उसमें फिर उसकी नींद खराब होना और बड़ी बड़ी बातें करना। उसका यदि इलाज करते हैं, जैसा लिथियम नाम की दवाई है या डायवेलप्रेक सोडियम नाम की दवाई है, ऐसे काफ़ी सारी दवाई हैं कि जब हम देते हैं दवाई तो वो व्यक्ति ठीक हो सकता है। इसमें होता क्या है कि नींद इसमें खराब हो जाती है। अब नींद खराब होने से या नींद कम होने से बाकी लोगों को भी तकलीफ हो जाती है। तो नींद एकदम 2 घंटे या 3 घंटे या घंटा भर सोना और बहुत काम करना, बहुत बातें करना, तो सब लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। अब ये जो है ये ब्रेन के ऊपर इसका असर हुआ रहता है, केमिकल्स, केमिकल इम्बैलेंस है। अब इससे बात करके कुछ नहीं होता। इसको भी मैंने, ये जो लड़की की बात कर रहा है, मैं कर रहा हूँ, उसको हमने दवाई दिया, उसका इलाज किया। अब 7-8 दिन हो गए, उसको मेरे वाला शादी कब करता है, प्राइम मिनिस्टर की लड़की है ना, शादी करना, बोले नहीं कुछ नहीं, बोले ऐसे ही वो विचार आ रहा था। मतलब ये प्राइम मिनिस्टर है कौन अभी इंडिया का, बोले मालूम नहीं, मतलब यहाँ तो वो अभी अच्छा हो गया। तो थिंक बिग वाला जो कार्यक्रम है कोई हद तक ठीक है, वो कल वो रियलिटी टच में रहा कि रियलिटी टच में है तो ठीक है, नहीं तो फिर यदि बहुत ज़्यादा बातें करने लगा, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े सपने देखने लगा और बाकी लोगों को डिस्टर्ब हो रहा है, तो उसका इलाज करना, उसको डॉक्टर के पास में ले जाना, और उसको यदि उसका प्रॉपरली इलाज करके अच्छा कर लेते हैं ना, तो एक ज़िंदगी बच जाती है, एक जान बच जाती है। नहीं तो ये लोग बहुत कुछ वायलेंट हो जाते हैं, लोगों को मारना पीटना भी कर देते हैं, और कभी कभी फिर किसने कुछ कर दिया तो फिर सुसाइड भी कर लेते हैं। तो ये इसके लिए आप ये लोगों को वीडियो शेयर करो, ताकि जिनको ऐसा ऐसी बीमारी है वो लोग सलाह लेंगे डॉक्टर की, इलाज करेंगे। तो आपको अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ऐसे में वीडियो आपको देते जाऊंगा। थैंक यू वेरी मच, बाय।